हेलो गाइस, पिछले सेशन में आपने मानव शरीर क्रिया विज्ञान देखा था, उसका पार्ट वन देखा था। आज हम पार्ट टू लेकर के आए हैं, जिसमें आगे के जुड़े हुए उससे क्वेश्चंस और उन्हें आज हम सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि हर सेशन के दौरान मैं उसका आंसर बताता हूं, तो आज भी हम कैसा पढ़ेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत पार्ट टू, और क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उसका आंसर भी आपको साथ में ही देता चलूंगा, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में मानव शरीर क्रिया विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आया हुआ हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो आपको दोस्तों पता है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होता है, और वो किसकी वजह से? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला एक पिगमेंट है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा नहीं हो सकता, प्लाज्मा की वजह से रक्त तरल होता है, आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं जिनमें प्रतिरोधक क्षमता बनी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में तांबा होता है, लोहा होता है, मैग्नीज होता है, कि जस्ता होता है? तो आपको पता है कि मानव शरीर में रक्त के रंग का लाल होने का कारण आयरन है, आयरन को हम हिंदी में लोहा कहते हैं। दरअसल हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त लाल है, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, इसी वजह से हमारे शरीर में रक्त का रंग क्या है? लाल। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। क्योंकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन मुख्यतः पाया जाता है आरबीसी में, और आरबीसी का काम क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, क्योंकि यही ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को तोड़ती है और जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य? तो मैंने जैसे बताया कि आरबीसी में पाया जाता है, तो ये किसका घटक है? आपका आरबीसी का घटक है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है, और हम एक माइनर मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लेकर के आए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में लेके जाती हैं? तो फुफ्फुस धमनी है, हृदय धमनी है, हृदय सिरा है, कि फुफ्फुस सिरा है? तो आपको पता है कि मानव शरीर में सिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का संवहन करना, और धमनी का काम है शुद्ध रक्त का संवहन करना। लेकिन आपको पता है कि एकमात्र ऐसी सिरा है जो अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है, मतलब फुफ्फुस सिरा, जो कि फेफड़े से, फुफ्फुस, यहाँ फुफ्फुस को हिंदी में फेफड़ा भी कहते हैं, फुफ्फुस उसका दूसरा नाम है। तो इसी वजह से आप सीधा सीधा इसका आंसर देख सकते हैं कि फुफ्फुस सिरा, जो कि हमारे शुद्ध रक्त को हृदय तक यानी कि बाएं आलिंद में लेकर के जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन ए लोहित कोशिकाएँ, ऑप्शन बी बिंबाणु यानी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन सी लसिकाणु अर्थात लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी श्वेताणु अर्थात ल्यूकोसाइट। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होता है? लोहित कोशिकाएं। दरअसल लोहित कोशिकाओं को ही हम आरबीसी कहते हैं, ये इसका एक अन्य नाम हमको किताबों में मिलता है, लोहित कोशिकाएँ यानी कि लहू। लहू हम किसे कहते हैं? रक्त को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ये कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिपेरिन।
तो आपको बता दें कि हीपेरिन एकमात्र ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, जबकि फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। तो किडनी में तो रक्त का फिल्टर होता है, हृदय रक्त का पंपिंग करता है, यकृत देखिए यकृत में भी आरबीसी जाकर स्टोर होती हैं, लेकिन सर्वाधिक आरबीसी या रक्त जो मरता है तो जब आवश्यकता पड़ती है हमें अतिरिक्त रक्त की तो प्लीहा में मरी हुई आरबीसी पुनः जिंदा होती है, इसलिए इसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है या ब्लड बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी ईओसिनोफिल या ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। तो इसका सही आंसर हम बता दें आपको, इसका सही आंसर है लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सभी आप जो चारों देख रहे हैं ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये चार की चारों श्वेत रक्त कणिकाएं जिनमें लिम्फोसाइट जो कि सबसे छोटी आरबीसी मानी जाती है, डब्ल्यूबीसी मानी जाती है, यही आपका क्या करती है, आपका एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं, तो साइंस की भाषा में इसे इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, ब्रोम्बो नहीं है ये थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स ही डब्ल्यूबीसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न कहाँ होती हैं। तो आपको पता है कि लाल रक्त कणिकाएं ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन डी सी यकृत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। दरअसल हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, इसकी बोन मैरो में होता है। तो ये आंसर भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है उसे ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी प्लीहा एकदम सही आंसर। ठीक है, यकृत अस्थि मज्जा या परिशोधिका इसका सही आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 120 दिन। 120 दिन में आरबीसी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि अब देखिए, एक आपने थैलीसीमिया नाम की बीमारी सुनी होगी, तो थैलीसीमिया में आरबीसी का जीवन काल 50 से 60 दिन का हो जाता है। जगह जगह पर जो ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं उस थैलीसीमिया बीमारी के लिए, यानी कुछ बच्चों में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं थैलीसीमिया की जिससे उनकी आरबीसी प्रॉपर तरीके से देखा जाए उनकी लाइफ नहीं रहती, इसीलिए ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो चाहे ब्लड हो चाहे कुछ भी हो, मैंने बताया अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो का, बोन मैरो में ही आरबीसी यानी लाल रक्त का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, यानी कि लाल रुधिर जो आपके, एक मिनट, हाँ, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो इसका भी सेम आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में आएगा वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, ऑप्शन ए का आकार बढ़ेगा, ऑप्शन बी का आकार घटेगा, ऑप्शन सी की संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन डी की संख्या घटेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनकी संख्या बढ़ेगी। मैंने बताया आरबीसी जब ऊंचाई पर जाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और चूंकि ऑक्सीजन की कमी है तो उस समय
प्लीहा में जो मरी हुई आरबीसी है वो जिंदा होकर के आपके पूरे शरीर में फैल जाती है, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन पूर्ण तरीके से हो सके। इसीलिए देखिए उसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, और चूँकि मर करके वहीं स्टोर होती है इसलिए उसको कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो उच्च उन्नतांश यानी कि ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या लगभग 20% तक बढ़ जाती है, ठीक है ना, इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए लौह का परिवहन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। यानी कि आपके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर को धारण कौन करता है, आपकी WBC करती, शरीर को अनेक प्रकार के वायरस बैक्टीरिया से बचाती। लौह का परिवहन तो नहीं करता, हीमोग्लोबिन करता है यानी RBC, ऑक्सीजन का भी RBC, और इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मानव मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है, यानी कि जो WBC होती हैं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन ए इसिनोफिल्स, ऑप्शन बी बेसोफिल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स हमारे मानव शरीर में WBC का एक आकड़िका में WBC होती है वो न्यूट्रोफिल्स है, और न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है, RBC करता है, WBC करता है, कि पट्टिकाणु करते हैं, कि जीव द्रव्य करते हैं। तो इसका सही आंसर है WBC। मैंने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता किसके पास होती है, WBC के पास में। तो यही क्या करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया आरंभ कर देते हैं और आपके शरीर में उपस्थित बाहरी पदार्थ को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रक्त समूह के खोज करता है, यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी लीवाइन, ऑप्शन सी वीनर, ऑप्शन डी ल्यूवेनबर्ग। तो ये आपने कई बार पढ़ा है, रक्त समूह के जो जनक माने जाते हैं वो आपके लैंडस्टीनर माने जाते हैं, कॉर्ड लैंडस्टीनर इनका पूरा नाम है। इन्होंने जब खोज की थी तो इनको नोबेल प्राइज भी इस पर दिया गया था। हालांकि इनके साथ एक और व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने पहले तो ABO सिस्टम की खोज की, देन उसके बाद कहा जाता है कि एक RH फैक्टर की जो खोज हुई थी, इनके साथ एक और व्यक्ति थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, जिन्होंने मिलकर के खोज की। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया। ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन बी वीनर ने, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर ने, या ऑप्शन डी लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। अभी मैंने बताया कि लैंडस्टीनर के साथ एक और व्यक्ति थे, तो ऑप्शन में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक वीनर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने रीसस बंदर की एक प्रजाति थी जिससे क्या किया, उन्होंने RH फैक्टर को खोजा, ठीक है ना। तो ये आंसर आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी उसमें नहीं पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, एंटीबॉडी एंटीजन पर सेम अपने ही समान एंटीजन पर अटैक कर सकती है। तो आपको पता है कि जो यूनिवर्सल रिसीवर है सर्वग्राही रक्त समूह, तो वो क्या है, AB। तो AB में जब कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी इसी कारण से उसको सभी लोग रक्त दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, AB, ठीक है ना। चल अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती। तो आपको पता है यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सभी को रक्त कौन दे सकता है, ओ। तो मतलब इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, इसीलिए केवल ओ बस से क्या अलग कर सकता है, रक्त ले सकता है। यही कारण है कि इसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है और ये सभी को अपना रक्त दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ओ, ठीक है ना। जब कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो सीधी सी बात है, जिनके जिनके पास एंटीबॉडी है तो एंटीजन पर अटैक कर दिए अपने ही समान,
तो जब एंटीजन इसके पास है ही नहीं तो ये सभी को दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर भी, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन ये है कि एंटीजन जिसे हम प्रतिजन कहते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है या विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ावा देने का काम कौन करता है, एंटीजन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, ऑप्शन सी विपत्ति के या ऑप्शन डी संक्रमण के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संक्रमण के। तो इसका कार्य क्या होता है, संक्रमण, कोई भी संक्रमण आपके शरीर में होता है चाहे वो वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो या किसी से भी हो, तो उस समय पे एंटीबॉडी अपना मुख्य भूमिका यहाँ पे निभाता है और आपके शरीर को बचाने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो मैंने अभी ही आपको बताया था कि रीसस नाम के बंदर की एक प्रजाति थी और जिससे उसकी स्पेलिंग का नाम क्या था, RHSRSUS, ठीक है ना, स्पेलिंग मुझे ध्यान नहीं लेकिन रीसस का लगभग यही इसी RHE, ठीक है ना, ध्यान रखें इस तरीके से इसका नाम था। तो शुरू का उसका RH ले लिया गया और RH फैक्टर बना दिया गया। RH का मतलब ये होता है कि जिसमें RH फैक्टर पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, जिसमें RH नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बंदर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसको मैंने आपको क्लास में बखूबी पढ़ाया है। तो ऑप्शन ए सुनिए, RH- पुरुष, यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, पुरुष का नेगेटिव है, महिला का पॉजिटिव है, और इसमें कह रहा है कि पुरुष का नेगेटिव है महिला का भी नेगेटिव है, इसमें कह रहा है सी नंबर में पुरुष का पॉजिटिव है महिला का पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पुरुष का पॉजिटिव है महिला का नेगेटिव। तो देखिए मैंने आपको बताया, पढ़ाया भी था कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, ठीक है ना, इट्स डोनेट टू पॉजिटिव और इट्स ऑल्सो डोनेट टू नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव जो होता है वो केवल और केवल किसको डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव वाला केवल किससे ले सकता है, आपको ये पता है, केवल नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला किससे रिसीव कर सकता है, आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से रिसीव कर सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, RH पुरुष जिसका नेगेटिव है वो महिला से क्या करेगा, तो इसका एक अगर विवाह करेगा तो इनकी संतान के लिए मुख्यतः देखा जाएगा। तो नेगेटिव वाला मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को देगा, मतलब सही है ऑप्शन बी, यानी कि ये विवाह कर सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि पुरुष नेगेटिव है महिला भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, तो नेगेटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि पुरुष पॉजिटिव महिला पॉजिटिव, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि पुरुष पॉजिटिव है लेकिन महिला नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता है, केवल पॉजिटिव को दे सकता है। तो इस तरीके से इसका डी नंबर का ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, इसी से संबंधित है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस पिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण तो अभी मैंने बताया कि पिता का RH पॉजिटिव होना तथा माता का RH नेगेटिव होना, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, ये बीमारी माता को होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहते हैं, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है,
क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिचिन प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। प्रतिपिंड का मतलब एंटीबॉडी है। तो आपको पता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन इसमें दोनों टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। यहाँ पे सर्वग्राह्यता मतलब कि सबसे ग्रहण कर सकता है, तो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ग्रहण कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी एबी। एबी ब्लड ग्रुप सभी से क्या कर सकता है, ब्लड ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर। तो मैंने बताया ओ समूह जो होता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। यहाँ पे लेने की बात है, तो देखिए दे तो सभी को सकता है, लेकिन ले सकता है तो केवल और केवल किससे, ओ से ले सकता है। ये मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है, और यदि इसको ए का दिया जाएगा तो ए एंटीजन इसके पास पहुंच जाएगा, तो इसके पास दोनों टाइप की यानी कि ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी है, और जैसे ही ए एंटीजन आएगा तो ये इस पर अटैक कर देगा। यदि बी वाला देगा तो बी एंटीजन चला जाएगा, तो बी वाला क्या कर देगा, अटैक कर देगा। यदि ए बी देगा तो ए बी दोनों चली जाएंगी, यानी कि ए और बी दोनों एंटीजन आ जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर के इस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए ओ के पास क्या है कि ओ के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता है, तो ओ वाला ही केवल किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए तो आपकी आपके सेशन में केवल आज जो है इतना ही था, लगभग 32 क्वेश्चन आज इस सेशन में हमने रखे हैं, जिसको बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया। संभवतः आपको मैंने क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ाया है और उससे संबंधित क्वेश्चंस को आज करवा दिया, जिससे आपका सिलेबस भी जो है कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से बढ़िया से क्वेश्चन को, इस सेशन को पुनः देखें, बार बार देखें, ताकि ये क्वेश्चन आपको याद हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।